Hey guys, welcome back to my channel. तो boys, पिछले वाली वीडियो में हमने मुकाबला किया था हमारे फादर से, मतलब मारियो के फादर से। हाँ भाई, पिछले वाली वीडियो में हमने हराया शैडो हाइट की क्वीन को और मारियो के फादर और उसके सिस्टर भाई। तो एक्चुअली पिछले वाली वीडियो में पता चला भाई कि शैडो हाइट की क्वीन और मारियो का फादर एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन शैडो हाइट की क्वीन का दिमाग सटक गया और उसने अपनी ही टीम बना ली शैडो हाइट करके और वो दुनिया पर राज करना चाहती थी भाई। लेकिन यार हमने सैन वक्त पे आकर उसको रोक लिया और तभी हम उस प्लेस को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन मारियो का फादर आ गया भाई। ऐसा उसने रोका हमें कि भाई मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मुझे इन्हेंसमेंट करनी है क्रियोस पे और उनको पावरफुल बनाना है। और वो इन्हेंसमेंट करके भी वो हार गया भाई, मुझे चैलेंज किया और वो हार गए। तो भाई मारियो के फादर हार चुके हैं और उसकी सिस्टर भी थी भाई, तो वो भी हार चुकी है। तो भाई मैंने उनके इन्हेंस क्रियो को मैंने हरा दिया भाई अपने नॉर्मल क्रियो से। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो और मेरे पास एक नया क्रियो है। हाँ भाई, मैंने नए क्रियोस पकड़े हैं, दो नए क्रियोस पकड़े हैं गाइस, वो भी प्राइम क्रियोस। यार कोई पिछले वाले वीडियो में कोई बंदा बोल रहा था यार कि तुम प्राइम क्रियोस पकड़ो, तो मैंने दो प्राइम क्रियोस पकड़े हैं। एक्चुअली ये मुझे जब राउड को चैलेंज कर रहा था ना तभी मिल गए थे, और बाकी प्राइम क्रियोस की भी लोकेशन पता है यार, लेकिन मैं उनको पकड़ने वाला नहीं हूँ। तो आज का वाला वीडियो आखिरी एपिसोड होने वाला है इवा क्रियो का, तो इसके बाद इवा क्रियो के एपिसोड नहीं आएंगे बॉयज। सबसे पहले यार देख लेते हैं भाई अपनी टीम। ये देखो यार, सभी 100 लेवल हो चुके हैं। वीडियो इसलिए भी डिले हुई है कि मैंने इनका रैंक अप किया है। ये देखो यार, अपना फेरी का मैंने रैंक अप किया है, 7 स्टार था, अभी 8 स्टार हो चुका है। जब मैंने इसका रैंक अप किया ना बॉयज, तो इनका सबका लेवल 5 हो गया था, मतलब 3 क्रियोस का 5 लेवल हो गया था। तो इनका फिर से 100 लेवल करने में थोड़ा मेरे को वक्त लग गया, लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ पे 95 लेवल 100 लेवल के क्रियोज हैं, तो मैं उनको चैलेंज कर अच्छी खासी एक्सपी मैंने गेन कर लिया है। तो भाई मेरे पास वालकन है और यार इसको क्या बोलेंगे, अर्लैंक क्या बोलेंगे यार इसको, मतलब ये ग्राउंड और विंड टाइप का है भाई। इसका स्पेशल अटैक बहुत तगड़ा है और डिफेंस भाई दोनों तगड़े हैं। ओ बॉय नाइस। और अपना वालकन की बात ही अलग है यार, इसका स्पेशल अटैक और फिजिकल अटैक दोनों ही सेम है भाई, 387 का अटैक पावर है भाई। तो बॉयज अभी हम आए हैं फॉर्च्यून सिटी में, तो फॉर्च्यून सिटी में आए हैं, हमारे पास सारे कीज इकट्ठा हो चुके हैं। तो आपको याद होगा हम जेंटा की को कलेक्ट कर रहे थे भाई, अभी हम कोलिसियम में हिस्सा ले सकते हैं और जीत सकते हैं भाई चैंपियन बैट। पता नहीं यहाँ पे बैट नहीं होता, आई थिंक हम चैंपियन बन सकते हैं। तो भाई ये पहला गेम है जिसमें हम चैंपियन बनने वाले हैं, तो लेट्स गो मैन, जाते हैं और चैंपियन का अपना सफर कंप्लीट करते हैं। बॉयज मैं राइड कर सकता हूँ, लेकिन जाने से पहले यार मेरे पास देखना पड़ेगा एडवांटेज, मैंने ये सब कुछ अनलॉक कर लिया है। नाइस वन, बहुत बढ़िया, इतना काफी गाइस। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार ये आखिरी एपिसोड होने वाला है। वेट, मैप मेरे को गलत दिखा रहा है भाई, ये एरो मार्क गलत दिखा रहा है। लेट्स गो, यहाँ से जाना है हमें। ओके बॉयज, आपको बता दूं यार ये ग्रास टाइप है, मतलब ये जो देख रहे हो ना पहला खंभा, ये ग्रास है और ये ग्राउंड है भाई, और ये इलेक्ट्रिक और वाटर और ये फायर और ये आखिरी में विंड, मतलब हम आखिरी बार हमने एटमॉस्फेयर में विजिट किया था ना, तो ये उसका सिंबल है भाई। ओ मैन, ये हमारा स्वागत है बॉयज, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे रखे हैं, स्वागत किया हमारा। ओके बॉयज चलते हैं यार। ओके, एंट्री फीस हमने इसको दे दी है, बहुत बढ़िया, अभी हम जा सकते हैं। पता नहीं यहाँ पे कितने चैलेंजेस होंगे। ओके वेट, ये सब तो अपने रॉड से ना। ओके मैंने इनको सबको हरा दिया है भाई, ये सारे के सारे रॉड से। देखो इतने सारे नहीं थे यार, ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। ओ बॉय नाइस वन, यार कितनी बार स्वागत होगा भाई हमारा। आई थिंक मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ भाई अरेना में। ओ बॉय नाइस वन, ये बहुत बड़ा है यार अरेना, देखो अच्छा लग रहा है। लेट्स गो मैन, चैलेंज करते हैं और जीतते हैं भाई अपना आखिरी बैच। तो हाँ यार, कोलिसियम में हमारा पहला मैच होता है भाई, मुझे 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर मुझे मास्टर बनना है तो। तो भाई चैंपियन बनने के लिए मुझे 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे, और सबसे पहला ही मैच हमारा ज़िप्रिना के साथ है। तो भाई ज़िप्रिना, आपको याद होगा यार हमें वो एटमॉस्फेयर से बाहर आते ही हमें वो मिली थी, तो भाई वो बहुत ही एनर्जेटिक थी, उसने हमें चैलेंज किया था वहाँ पे, वो वहाँ पे भी स्ट्रांग थी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी भाई। उसके बहुत सारे क्रियोस थे यार, 5 के 5 क्रियोस से हमने मुकाबला किया। तो भाई उसके पास भी एक प्राइम क्रियो था भाई, प्राइम क्रियो को मैंने अपने प्राइम क्रियो से भिड़ाया भाई, दोनों के पास ग्राउंड टाइप का प्राइम क्रियो था, मज़ा आ गया भाई इसके साथ लड़के। ये स्ट्रांग तो थी, लेकिन इसको जीतने के लिए और भी मेहनत करनी ज़रूरी है। तो हाँ यार, इसी के साथ मेरा दूसरा मैच शुरू होता है भाई, एक बच्चे के साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार ये कैसे आया यहाँ पे, इसने सारे राडू कैसे हराया भाई। ये बच्चा उतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था गाइस, लेकिन हाँ इसके थोड़े बहुत क्रियोस जो है मेरे को उंगली कर रहे थे भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हील कर रहे थे भाई। ये बच्चा बार बार मेरे को हग मी कह रहा था भाई, लेकिन मेरे क्रियोस ने इसके क्रियो को ऐसा हग किया कि भाई वो कभी उठ ही नहीं पाए। और हाँ, ये कहना गलत भी नहीं कि किस्मत मेरे साथ थी भाई, उसने बहुत सारे वर्टेक्स इस्तेमाल किए लेकिन वो मेरे को नहीं लगे भाई, ये विक्ट्री थोड़ी ईजी थी। तो
हाँ भाई तीसरा बैटल भी शुरू हो जाता है भाई, हम अपने मास्टर बनने के सपने के बहुत ही करीब हैं। तो हाँ यार, ये हमारा रीमैच है भाई। इस बंदे को मैं पहले भी हरा चुका हूँ, तो पता नहीं इस बंदे ने अपनी क्रियोस को इवॉल्व क्यों नहीं किया। इसके पास सारे के सारे क्रियोस प्री इवॉल्व है भाई। अरे यार ये भाई, ये इतना बड़ा बुद्धू है भाई, इसने कोई भी क्रियो को इवॉल्व नहीं किया, वो तो स्ट्रांग कैसे बनेगा भाई। तो इसके जीतने की चांसेस जीरो थे भाई, कसम से यार, ऐसा कौन करता है। तो फोर्थ मैच हमारा ग्रावर के साथ था भाई। हाँ हम इससे भी मिल चुके हैं भाई, ये राउंड टू के लिए आया है। लेकिन भाई ये प्रिटी स्ट्रांग था भाई, इसके पास सारे के सारे क्रियो जो है वो फुल्ली मैक्स इवॉल्व थे भाई। नाइस वन, ये पहला बंदा ऐसा था कि जो मुझे रियल में टफ चैलेंज दिया भाई। अब तक के जितने भी मेंबर आए ना, ये उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। इसके पास एक राजा का इवॉल्व फॉर्म था यार, जब राजा वॉल टाइप में इवॉल्व होता ना तो ऐसा दिखता है यार, बहुत ही टफ था भाई। वो अंत तक बना रहा भाई, एक नंबर का ढीर था यार, उसकी वजह से यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई। तो हाँ फिफ्थ मैच भी हमारा एक और एक रीमैच है भाई साहब। कितने लोग मेरे रीमैच करने के लिए आ रहे हैं भाई, आज का दिन पूरा रीमैच पे ही चला जाएगा। तो हाँ यार हम ढूंढते हुए यहाँ तक आया है, मतलब देख रहे हो डेडिकेशन, देख रहे हो तुम लोग, ये मेरे को हराने के लिए कॉलेज टीम में पार्टिसिपेट किया और मेरे को चैलेंज कर रहा है भाई साहब। ये बंदा पिछले वाले बंदे से भी एक स्टेप आगे निकला भाई। पिछले वाला बंदा तो बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहा था, लेकिन ये बंदा उससे भी आगे निकला। ये मेरी HP चुरा के खुद की क्रियो में ट्रांसफर कर रहा था। तो हाँ भाई, एक मूव आता है जिससे कि आप सामने वाले की HP चुरा के खुद में डाल लेते हो। तो भाई इस चक्कर में मेरी वीडियो इतनी लंबी हुई भाई, तो मेरे को इतने फ्रस्ट्रेशन हुई, तो मेरे को मजबूरन अपने पावरफुल क्रियोस निकालना पड़े और इसको हराना पड़ा यार। तो फाइनली यार हमारा आखिरी मैच, तो भाई मैंने पांचों बंदों को डिफीट कर दिया भाई। बहुत गंदा चला भाई, बहुत लंबी बैटल चल रही थी, इसीलिए यार फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा भाई। भाई साहब वो हील किए जा रहे हैं भाई, इतनी HP बचती है और हील करते हैं भाई। ओह माय गॉड, फाइनली यार आखिरी बैटल देखते हैं भाई कौन है। ओके लेट्स गो मैन, मुझे सारे के सारे ऐसे बंदे मिल रहे हैं जो मैं सबसे पहले उनसे पहले बैटल लड़ चुका हूँ। पता नहीं ये बंदा कौन है, आई थिंक नया बंदा है। दिस इज द लास्ट मैच ऑफ द कॉम्पिटिशन, मैच को जीतने से आपको प्राइज मिलेगा। गुड लक, प्रिपेयर योरसेल्फ, 3, 2, 1, इवोक्रियो। आ जाओ भाई, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे भाई। ओ बॉय, ये देखो यार हवे में उड़ रहा है वो, और अपना कोई क्रियो, अरे यार मुझे कोई क्रियो तो अपना डैमेज है यार। शिट मैन, कोई बात नहीं, पॉइजन करो इसको, चेंज कर लिया उसने, एक्चुअली उसके पास एडवांटेज था भाई। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलेगा भाई, क्योंकि ये प्राइम क्रियो है। कोई बात नहीं, रैम पे चटा करते हैं। देखो हमारा शिट रैम्पेज, तुझे अटैक करना था भाई, सच्ची बताऊँ तुझे अटैक करना था यहाँ पे, तूने गलती की अभी। ओ मैन क्या बोलूँ भाई, एटमोस्ट ब्लास्ट अटैक करते हैं भाई, अपना क्रियो जितना मिस करते हैं ना, तो इसलिए लंबी बैटल चलती है। ओके वो अभी आगे चल के हीलिंग करेगा, तो हमारे लिए लंबी बैटल होने वाली है। ओके कोई बात नहीं, इसको और एक बार पॉइजन करता हूँ भाई, ये ढीठ बंदा है, मेरे को पता है ये जल्दी नहीं मरेगा। लेट्स गो मैन, मैं इसको बैड पॉइजन कर दिया है, देखा 129 का हील कर पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको गंदा डैमेज भी मिलेगा अभी। ओके मैं हील नहीं करूँगा भाई, मैं एटमोस्ट ब्लास्ट अटैक करूँगा। वॉल टाइप क्या कर मैं, अरे वेट यार एक ग्राउंड टाइप का भी है ना, तो मैं इसको वॉल टाइप का भी कर सकता हूँ। लेट्स गो, पॉइजन हट गया। अरे भाई क्या चालू बंदा है भाई, इसने हील के साथ वो पॉइजन भी हटा लिया है। ओके यार कोई बात नहीं भाई, स्कॉलर को एक्चुअली इसकी एबिलिटी जो है ना वो वाटर और विंड टाइप की है, लेकिन मैंने इसको रैम्पेज दिया है इसलिए क्योंकि वो फिजिकल टाइप है, इसके फिजिकल अटैक नहीं मिल रहे थे भाई, तो मैंने मजबूरन रैम्पेज देना पड़ा इसको। ओके लेट्स गो, फिर से पॉइजन भाई, इसको जल्दी फिनिश करना है तो मुझे इसको इफेक्ट देने ही पड़ेंगे, लेकिन ये दिक्कत की बात यह है कि भाई ये रिकवर कर लेता है जल्दी। ओके इस बार वो नहीं होगा बॉयज, एटमोस्ट ब्लास्ट, लेट्स गो मैन, 111 और ये नॉक हो गया भाई। नाइस वन, बहुत बढ़िया है, HP नहीं मिलेगी कोडक। अरे कौन आ रहा है भाई, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं प्राइम क्रियोस को, दो प्राइम क्रियोस है मेरे पास, वो दोनों बहुत पावरफुल है यार, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना भाई, बहुत सारे क्रियोस को तो इन दोनों ने हराया भाई। लेट्स गो मैन, ये वाला बंदा तो अपना फेवरेट है यार, इसकी शील्ड अप हो जाती है ना, बहुत मस्त लगता है। लेट्स गो, इसको बर्न एफर्ट देते हैं। अरे चेंज, अरे तू लड़ना नहीं तो क्यों निकाल रहा है भाई इसको। ओ बॉय, दो दो मुंडी, चीटिंग करते हो यार, दो दो क्रेज ला रहे हो तुम लोग। कोई बात नहीं, बर्न एफेक्ट, बैड बर्न लगेगा इसको। नाइस वन, अभी मैं अपना इलाइट मूव अटैक करूंगा यार। ओके ब्लाइंड कर दिया गया इसने, कोई बात नहीं यार, स्टिल उसको डैमेज तो गंदा मिलेगा। ओ बॉय तुम्हारी खैर नहीं भाई, वन हिट, लेट्स गो, 324 भाई, ये अटैक कभी कभी वन हिट कर देता है भाई। नाइस, आ जाओ यार, फिर से वही आ रहा है भाई, लेट्स गो, चेंज नहीं करेंगे, देखते हैं यार तू अटैक भाई, तू लड़ ना, मैं सामने से लड़ने आ रहा हूँ, तू भाग रहा है। फिर से भाग गया लो भाई, कोई बात नहीं, बर्न इफेक्ट मिलेगा इसको, वाटर और ग्राउंड यार।
ओके मिस कर दिया, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है यार, देखते हैं। ओ बॉय लाइट अटैक, कोई बात नहीं यार, ज़्यादा डैमेज नहीं मिला। शील्ड ब्रेक कर दी इसने, ओके कोई बात नहीं। भाई साहब अपने बंदे क्यों अटैक करो यार, ऐसा नहीं करते भाई, अटैक करो, कॉम्पिटिशन नहीं है आखिरी वाला। ओके फाइनली यार बैड बर्न लगेगा इसको, नाइस, लेट्स गो मैन, चेंज करना पड़ेगा आई थिंक, ऐसा लग रहा है भाई, लेट्स गो चेंज करते हैं, रेबस को निकाल लेते हैं। अरे यार ट्रैप है भाई, ट्रैप है तो मैं अटैक करने नहीं पाऊंगा। ओके अर्थक्वेक अटैक करता हूँ, ओके नॉक होने वाला है, ओके जब तक तू अंधेरे में जान है भाई तू अटैक करते रहे भाई, लेट्स गो 29, ना भाई इलाइट अटैक करो, अगर वन हिट कर पाएगा ना, ओ बॉय 122 का हील कर रहा है भाई ये, कोई बात नहीं, बैड बर्न अभी भी लगा है इसको। ओके लेट्स गो, वन हिट हो पाता है नहीं भाई, देखते हैं 133, नहीं बच गया, इस बार बच गया भाई, इसकी किस्मत अच्छी है। फिर से बैड बर्न आने के ट्राई करता हूँ मैं, ओ माय गॉड थोड़े में बचाए भाई तू, बैड बर्न इफेक्ट भी इसको देते हैं। ओके लेट्स गो भाई, मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ यार, फिर से लाइट में अटैक करता हूँ, ओके नहीं आई थिंक ये नॉक हो गया, वो भी नॉक हो गया, नाइस बहुत बढ़िया, लेट्स गो यार। फेरो अभी एक भी बैटल नहीं लड़ा है भाई, फेरो को निकालते हैं यार, इसका अभी ये पहला बैटल है इस कॉम्पिटिशन में। और भाई साहब इसकी स्टार देख रहे हो तुम, 8 स्टार हो चुका है इसका। शैडो मोल से अटैक करता हूँ, लेट्स गो भाई, ये इलेक्ट्रिक टाइप है, मेरे को बस दिक्कत ये है कि ये हमें पैरालाइज कर सकता है यार, लेट्स गो, पॉइजन और ब्लीडिंग दोनों ही अच्छे अटैक्स हैं। ओके इसने हमारा टोंट मार के इसने हमारा डिफेंस वीक किया है भाई, ओके भाई तू टोंट मारता रहे भाई, मैं तेरे को फिनिश कर दूंगा, लेट्स गो फायर पंच, ओ बच गया, किस्मत अच्छी है भाई इसकी। अरे शिट मैन इतना ज़्यादा हिल कैसे करते हो भाई, इतना ज़्यादा हिल मत करो भाई, इतनी लंबी बैटल नहीं चाहिए मुझे। म्यूटर अटैक कर दें, वेट उसको क्यों अटैक मिला यार, ओके इलेक्ट्रो कैनन पैरालाइज हो चुका हूँ मैं, कोई बात नहीं, फिर भी स्टिल अटैक कर पाऊंगा क्या, प्लीज अटैक कर दे यार, ओ बॉय एक छोटा अटैक चाहिए, छोटा अटैक, ओ नाइस वन, चलो यार पेरू के सामने कोई टिक नहीं पाएगा बॉय, पेरू बहुत पावरफुल है। ओके आखिरी बंदा यार आ जाओ यार, पेरू ही देख लेगा तुम लोग को। ओके ये अपना प्राइम क्रियो है भाई, प्राइम क्रियो सामने है यार, ओके बहुत बढ़िया, म्यूटर अटैक कर रहा है, फायर टाइप के अटैक से हम खुद को हील कर लेंगे, लेकिन भाई स्टिल हमारा डिफेंस ब्रेक होगा, कोई बात नहीं, पैरालाइज है, अल्फा अटैक करते हैं, अल्फा अटैक से आई डोंट थिंक कि कोई इफेक्ट मिलने वाला है इसको, नहीं नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, शैडो मोल से मिलेगा यार, शैडो मोल अटैक करते हैं इसको, ब्लीडिंग और अपोजन लगेगा, नाइस 100 का डैमेज, ये होता है भाई डैमेज, नाइस वन, ओके बड़ी आ जाओ भाई, तुमको तो मैं आराम से निपट लूँगा भाई, ड्रिल अटैक कोई बात नहीं, ज़्यादा डैमेज नहीं मिलेगा भाई, ये मैच तो मैं जीत चुका हूँ यार, इसके पास एक ही क्रियो है और मेरे पास ढेर सारे क्रियो बचे हैं। ओके फायर पंच और आई थिंक बोलने का वक्त आ गया है गाइस, आस्ता ओ ओ बॉय, नहीं नहीं ये ढीठ बंदा है, ये बैटल को और लंबा खींचना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं सकता बॉयज, म्यूटर अटैक करते हैं और आई डोंट थिंक, अरे कैसे बचते हो यार, इतना मैं इतना पावरफुल अटैक कर रहा हूँ फिर भी बच रहे हो भाई, ओके ये खुद मेरे को हील कर रहा है, नाइस, ओके अब बोलने का वक्त आ गया बॉयज, आस्ता ला वीस्ता बेबी, फाइनली हार गया भाई, सब लोग हार गए, हम जीत चुके हैं फाइनली यार, यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला तुम्हारी जीत से और मेरी हार से, अगर मैंने अपनी हार से कुछ सीखा है तो ये लॉस नहीं है, अगर तुमने अपनी जीत से कुछ नहीं सीखा तो तुमने भी कुछ नहीं जीता। अरे यार ये तो ज्ञानी बाबा था भाई, कुछ बोल के चला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन आई प्रेजेंट यू द न्यू इवोक्रियो मास्टर एंड कोलिसियम चैंपियन मारियो, ओ बॉय हम फाइनली मास्टर बन चुके हैं, ओके हमारा रिवॉर्ड भाई फ्लक्स लिंक, ओके ओके यार हमें हाल पे जाना है, पता नहीं कोई रूम है भाई वहाँ पे जाएंगे हम, वहाँ पे आई थिंक हमें कुछ सम्मान करने वाले हैं यहाँ पे, लेट्स गो कहाँ पे, ओ भाई यहाँ पे रास्ता था, अबे ये तो पहली बार देख रहा हूँ भाई भाई, ओके लेट्स गो, ओ भाई रेड कारपेट बचा है यहाँ पे और सामने पता नहीं कुछ तो है भाई, मैंने सुना है तुमने कोलिसियम जीत लिया है, इसका मतलब तुम एक इवॉकर मास्टर बन चुके हो, ओ मैन मैं इवॉकर मास्टर बन चुका हूँ अभी, अब चलो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन इस टैब में डालते हैं, बी वेल हाँ, अरे यार हमारे लिए कोई नहीं भाई, हॉल ऑफ फेम नहीं है अब, लेकिन हम विनर हैं नाउ शो, अरे भगा रही, अरे ये क्या बात हुई भाई, कोई बात नहीं यार फाइनली भाई हमने जीत लिया है इवॉकरियो।
सो थैंक यू सो मच यार, जो लोग भी मेरे साथ यहाँ पे बने हैं ना एंडिंग एंड तक, तो उनका सबका शुक्रिया भाई, जो लोगों ने भी इस सीरीज को सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया भाई, थैंक यू सो मच। और भाई यहाँ तक जो भी वीडियो बंदा देख रहा है ना, वो सब लोग जो भाई, आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में हमने फायर ओपी किया था, तो इस वाले गेम के एंडिंग के अंदर हम करते हैं भाई चैंपियन ओपी। तो प्लीज़ यार हो जाए भाई चैंपियन ओपी, लिख दो भाई कमेंट में जाके। तो भाई बहुत मज़ा आया गेम को खेल के। एक्चुअली यार गेम थोड़ा बहुत लेज़ी है, मैं जानता हूँ स्टोरी वाइज थोड़ा लेज़ी है, लेकिन स्टिल आखिरी वाले मैच खेलर के मज़ा आ गया भाई। तो इसमें थोड़े बहुत हिडन टास्क है वगैरह करते हो तो मज़ा आ जाता है गेम को, इसमें थोड़ा सिमेट्रिक नहीं था, कोई बात नहीं, मज़ा आया गेम खेल के। आप लोग बताओ मुझे कमेंट में जाकर बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा गेम, और आपको पसंद आया नहीं, आप लोगों ने खेला या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर प्लेइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच बॉयज़, मैं मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।